कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दलों शनिवार केन्द्र सरकार ने मणिपुर में हिंसा में जवाबदार नक्की करने विनती करी थी। शांति सुनिश्चित करने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पद पर हटावानी मांगणी कराई। केन्द्र सरकार द्वारा बोला सर्वपक्षीय बैठक में विरोध पक्षों पर शांति पुनःस्थापित करने नक्कर पगला लेवा अपील करी थी। गृहमंत्री अमित शाह सर्वपक्षीय बैठक में कहूं कि वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी पहला दिवस की मणिपुर की स्थिति पर सतत नजर राखी रहा है। समस्या ने उकेल शोधवा संपूर्ण संवेदनशीलता मार्गदर्शन पूरू पाड़वामां आव्युं छे। कांग्रेस तरफ मणिपुर पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह बैठक में हाजरी आपी थी। तेमणे बैठक में पार्टी तरफ थी 8 मुद्दा मूक्या हता, जेम मुख्यप्रधान एन बीरेन सिंह राजीनामा की मांग समावेश थाय छे। बैठक ने औपचारिकता गणावता कांग्रेसे कहूं कि केन्द्रे राज्य में शांति पुनःस्थापित करने गंभीर पगला लेवा जोईए और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह राजीनामु तात्कालिक लई लेवुं जोईए। इबोबी सिंह कहूं कि बीरेन सिंह मुख्यमंत्री तरीके शांत हो त्या सुधी शांति शक्य नहीं। दावो करो तो कि बैठक में थोड़ी मिनिटो आपवामां थी, ज्यारे तेमणे विचारों रजू करवा माटे वधु समय मांग्यो। पार्टी महामंत्री जयराम रमेश आरोप लगाव कि 3 कलाक चालेली बैठक में इबोबी सिंह ने 7-8 मिनिटनो समय आपवामां आव्यो। आ मात्र तेमनुं अने कांग्रेसनुं ज अपमान नथी, परंतु मणिपुरनुं पण अपमान छे। कांग्रेसना नेता एम पण कहूं कि वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए आ बाबते तेमनुं मौन तोड़वुं जोईए। आ बैठक में मेघालय मुख्यमंत्री और नेशनल पीपल्स पार्टी नेता कॉन्राड संघ में हाजर रहा था। तेमणे कहूं कि एनपीपीए मणिपुर की स्थिति पर चिंता व्यक्त करी है और सरकार ने शांति सुनिश्चित करने जरूरी पगला लेवा अपील करी है। तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्राय ने पत्रकारों ने जणाव्युं कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक 24 कलाक की अंदर विपक्षी सर्वपक्षीय बैठक में मणिपुर मुद्दा पर एकता में बात करी, एक प्रश्न जारी कर शू सरकार प्रयास कर रही है मणिपुर ने काश्मीर में फेरवा। हिंसाग्रस्त मणिपुर में सर्वपक्षीय प्रतिनिधि ने मोकलवा की मांग करी थी। राष्ट्रीय जनता दल नेता मनोज झा जणाव्यु कि मणिपुर में बोलावामां आवेली सर्वपक्षीय बैठक में लगभग तमाम विपक्षी दलों कहूत कि मणिपुर लोगों ने त्यांना मुख्यमंत्री में विश्वास ज नहीं। गृहमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, सबको उसका स्वागत करना चाहिए और गृहमंत्री जी सब पार्टीज को ब्रीफ भी करेंगे जमीनी हालत कैसे हैं। अपेक्षा करते हैं कि सारी पार्टियां राजनीति से ऊपर उठकर वहां पर शांति के लिए अपील करेंगे। चलिए, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और वह अपनी बेटी को प्रमोट भी कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को भेजा होगा। कोई बात नहीं, वो तो एक अमित शाह जी का बड़प्पन है, क्योंकि देश सभी का है और सभी को कोई समस्या हो तो उस पर विचार करना चाहिए। उस विचार के तहत ऑल पार्टी में उनको विचार रखने चाहिए, अलग अलग राजनीति नहीं करनी चाहिए। समाज का बात हो, देश की बात हो और आतंकवाद की बात हो, तो इसमें कहीं एक रूपता दिखाई देनी चाहिए, वो एक अच्छे कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। देश में